और फ्रेश फ्रेश होके आया हूँ, 11 बज चुके हैं अभी। और ये अभी देखो उठने की कोशिश कर रही है, ये भानु से उठा रही है। देखो इसके 11 बजे का लगाओ या 12 बजे का भाई, ये पहली खराब, क्योंकि भाई गर्मी हो जा रही है और थोड़ी देर बैठो जान निकल जा रही है। और तो भाई जब अचार बनेगा तो खाएंगे, टेस्ट रहा है। तो ऐसा है दोस्तों, मतलब गर्मी वरना ठंडा हो जाएगा और ठंडी कॉफी पीने में। और किसे गर्मी पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, मेरी तो बिल्कुल फेवरेट नहीं, मैं बता दूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता, सबको लगती है। कहीं भी आना हो जाना हो बिल्कुल, मतलब बंदा ये नहीं बोलेगा कि नहीं जाना, गर्मी तो कमेंट करके जरूर बताना। और जल्दी मैं नैनीताल जाने वाला, दूध पी के मैडम यहाँ पे लेटी हुई है। हाँ जी, मस्त है, दूध पी के अब खेलने लग गई। जल्दी बोलो भाई, ये बहुत कोशिश करती है देखो बोलने की, लेकिन नहीं बनेगा तो दिन में क्या खाएंगे, है ना? वो क्या बन जाएगी, है ना भाई? क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना, दादी का और फुंतरू का चलो वही नहीं करना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि अभी 11 बज रहे हैं और ये ना फुंतरू ना रात को सोने देती है और सुबह जल्दी उठा देती है। अब क्या बोलूँ मैं, फुंतरू ने इतना परेशान कर देती है ना भाई। और अभी भी ना भाई, मतलब मैं सो रहा था, मैं 11:30 का अलार्म लगाया था, इसने 10:30 बजे के बाद से हिला दिया मेरे को, मतलब नींद खराब कर दी। और फ्रेश फ्रेश होकर आया हूँ, 11 बज चुके हैं, अभी ऑफिस के लिए भी जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं फुंतरू हमारी उठ चुकी है, लेकिन ये ना पहले उठ गई थी और हम सोए हुए थे। जब इसने देखा कि भाई सोए हुए हैं, उठ नहीं रहे, तो भाई इसने ना चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर हमें उठा दिया। उसके बाद ना देखो, ये देखो आलस, देखो इसको, लेकिन उठ के बैठ गई। ये अलार्म हो गया हमारा, बेवक्त का अलार्म, किस टाइम भी बज जाती है ये। और ये अभी देखो उठने की कोशिश कर रही है, ये भानु इसे उठा रही है। देखो इसके हम ना इसके हाथ पकड़ लेते हैं और हम बोलते चलो उठो, तो ये पूरी जान लगा देती है, लेकिन उठाती नहीं, तो फिर ये देखती रहती है। और उसको ना गुस्सा भी आता है किसी टाइम पे कि यार मेरे को मतलब खींच रहे, लेकिन उठाते नहीं है। पिंद्रो गुड मॉर्निंग, पिंद्रो गुड मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाँ ऐसे हेलो बोल दो, हेलो हेलो, अरे उठाओ भाई, उठने को बोल रही, लगाओ लगाओ ताकत लगाओ, ओहो ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, उठो उठो, चलो उठो 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 फिर। तो भाई कुछ ऐसे ना बंद फुंतू, मतलब भाई परेशान कर देती है, पूरा दिन हमारा ना ऐसी जाता है। अगर छुट्टी हो ना तो उस दिन तो क्या ही कहूँ, या तो पकड़ के रखो या इसको मतलब सुलाओ या उठाओ और ड्यूटी से आओ, तो भाई रात को 3-4 बजा देगी। और भाई सुलाते सुलाते थक जाते, और सुबह अलार्म चाहे आप 11 बजे का लगाओ या 12 बजे का, भाई ये पहली छेड़छाड़ के उठा देगी तुम्हें। उसके बाद इसके तरह खेलो और थोड़ी देर ही खेलेगी और दूध पिएगी और फिर सो जाएगी, क्योंकि भाई हमारी नींद भी खराब। तो यार ऐसे ही परेशान करती है फुंतरू हम सबको। अब बाहर का आप देख सकते हैं दोस्तों, मतलब धूप तो क्या ही बोलूँ, इतनी गंदी लग रही है ना दोस्तों अभी से ही, कि मतलब फरवरी है यार, ख़त्म भी नहीं हुई है, इतनी गंदी धूप, मतलब क्या बोलूँ। और इतनी तेज़ है ना कि मैं ना अभी अपोजिट खड़ा हूँ धूप के, मतलब आंखें नहीं खुल रही हैं, इतनी तेज़ चुभ रही है ये। और देखो पूरी छत खाली पड़ी है, क्योंकि कोई नहीं आ रहा, क्योंकि भाई गर्मी हो जा रही है और थोड़ी देर बैठो जान निकल जा रही है। और अचार रखे हैं यहाँ पे सुखाने के लिए, पता नहीं नीचे वालों के, चटाई तो हमारी, तो समझ लो हमारा ही है। ओहो हम नीचे वालों का नहीं भाई, हमारी अचार है ये, तो पापा ने या मम्मी ने बनाने के लिए रखा होगा। ये है मूली और गाजर और गोभी, भाई ये अचार बनेगा। तो भाई जब अचार बनेगा तो खाएंगे, टेस्टी सा लगता है, पर मैं अचार से ज़्यादा खाता रही, लेकिन जब बनेगा तो ट्राई करेंगे कैसा है। और धूप भाई देखो, मतलब इतनी तेज़ लग रही है ना, आग भी नहीं खुल रही भाई, मेरी तो वैसे ही नहीं खुलती ढंग से, और इस धूप की वजह से तो फिर बिल्कुल ही नहीं खुल रही है। तो अभी धूप पीछे है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। तो ऐसा है दोस्तों, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब मतलब खड़ा होने का मन नहीं करता बाहर में। और मम्मी पापा यहाँ पर बैठे हैं, देखो वो देख रहे हैं कपिल शर्मा शो, तो इनका एंटरटेनमेंट हो रहा है क्योंकि कपिल शर्मा शो देख के। ये है मेरी गर्मा गर्म कॉफ़ी, मतलब मम्मी लेके आई है, तो इसे जल्दी पीते हैं यार, वरना ठंडा हो जाएगा और ठंडी कॉफ़ी पीने में फिर मज़ा नहीं आता। तो भाई ऐसा कुछ बीत रहा है आजकल दिन, और गर्मी में तो मतलब क्या ही बोलूँ। और किसे गर्मी पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, मेरी तो बिल्कुल फेवरेट नहीं है दोस्तों, मेरे को तो जितने ज़्यादा ठंड मिले मेरे को बहुत मज़ा आता है, मतलब क्या ही कहूँ। वैसे मुझे गर्मी का पता नहीं चलता, ये सबको मैं बता दूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे नहीं समझ आता, सबको लगती है। मैं गर्मी में भी ऐसे चादर उड़ के सोता हूँ, त्योरी ठंड होती है जैसे कूल होकर बिल्कुल घूमना फिरना, मतलब कितना मज़ा आता है। तो वो चीज़ एक अलग ही होती है, कहीं भी आना हो जाना हो बिल्कुल, मतलब बंदा ये नहीं बोलेगा कि नहीं जाना है। और गर्मी में
बंदा बोलेगा यार अभी निकलते हैं, अभी निकलते हैं, अभी करते करते शाम हो जाएगी, कभी बाहर नहीं जाते, तो इसलिए गर्मी यार मुझे तो अच्छी भी नहीं लगती है। और आप लोगों को अच्छी लगती तो बताना, लेकिन मेरी तो बिल्कुल फेवरेट नहीं है, इसीलिए मैं हिल स्टेशन पर जाना पसंद करता हूँ दोस्तों गर्मी में, क्योंकि उधर ठंडा लगता है और यहाँ पर तो गर्मी होती है तो मन नहीं करता, तो इसलिए क्या बोलूँ। और रेस्टोरेंट लाइन है, और कोई लाइन होती तो भाई मैं तो गर्मियों में हिल स्टेशन रहता, पर रेस्टोरेंट में ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती नहीं है, तो इसलिए हमको ना मतलब देख के छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं, तो एक यही दिक्कत है। और नहीं तो मैं तो हमेशा हिल स्टेशन पे रहूँ, मैं तो इतना मन करता है, क्योंकि मुझे ठंड बहुत पसंद है और ये गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको पसंद है गर्मी तो कमेंट करके जरूर बताना, और जल्दी मैं नैनीताल जाने वाला हूँ, और आप लोग ऐसी ब्लॉग में बने रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और 1000 सब्सक्राइबर हो चुके तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस ट्रेन को रोकना कि मैं नैनीताल टूर पर जा रहा हूँ, तो आपको नैनीताल के ब्लॉग देखने को मिलेंगे, तो बस इंतजार करिए, बस जल्दी मैं टूर पर निकलने वाला हूँ। भाई देखो दूध दूध पी के मैडम यहाँ पे लेटी हुई है। हाँ जी, आपने क्या हो गया, आपको सोने ही नहीं देते हो यार, हैं? सुबह टाइम से पहले उठ जाते हो, रात को टाइम से सोते नहीं हो, हैं? तीन तीन चार चार बजाते हो हमारे, हैं? और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हो, सीन क्या है भाई? हम पे दया नहीं आती आपको? हम पे दया नहीं आती? नहीं आती दया? नहीं आती हम पे? हम पे दया नहीं आती? नहीं आती है? हैं? आती है, आती है मेरे फुंचरू को, है मेरे फुंचरू अच्छा है ना, ये फुंचरू तो अच्छा है, अच्छा है फुंचरू, तू अच्छा है। ओ अरे मतलब घंटी बजा के रखी है तूने हमारी घोरी, मैं तो ऑफिस में सो जाऊंगा, ऐसा कर देती है तू, कभी कभी ऑफिस में सोने का मन कर देता है फुंचरू मेरा, तो सो नहीं सकते ना, क्या करें। और घर पे हमारा फुंतरू नहीं सुन देता है ना। ओ, बोलो बोलो बोलो, ओ बोलो 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 बोलो, हाँ बोलो, क्या कह रहे हो, सबको हेलो बोल दिया है, गुड मॉर्निंग बोल दो सब, गुड मॉर्निंग जी, ये हो, उठो 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 उठो। तो भैया ऐसी है हमारी फुंतरू, देखो मस्त है, दूध पी के अब खेलने लग गई, और बस हमारी तो भाई घंटी बजा रखी इस टाइम। फुंतरू पापा का है, का है पापा का है, ये देखो फुंतरू यहाँ पे, यहाँ पे पापा, फुंतरू कौन है, कौन है फुंतरू, कौन है, तू है, पापा पापा का है, का है पापा का है, मुझे बताओ पापा का है, जल्दी बताओ पापा का है, हैं का है पापा, पापा का है, जल्दी बोलो पापा का है। ओ, ओ, ओ मैं हूँ, ओ भाई गुस्सा, ओ भाई गुस्सा मार दिया, गुस्सा मार दिया तूने पापा को, पापा को गुस्सा मार दिया, ओ क्या पापा का गुस्सा मार दे, पापा को पापा गुस्सा मार दे, मार दो जल्दी, मार दो पापा का है। अच्छा अच्छा फुंतरू कौन अच्छा है, तू या मैं, जल्दी बताओ कौन अच्छा है, कौन अच्छा, हाँ पापा, अरे मेरा पापा, देखा दोस्तों कितनी समझदार है फुंतरू, देखा पापा अच्छे बोल रहे। अच्छा बता पापा टूटी जाए, जाओ पापा टूटी जाओ, मैं जाऊँ टूटी जाऊँ, जल्दी बता, जाए नहीं जाऊँ, जाऊँ क्या जाऊँ मैं, भाई मैंने सुबह परेशान कर देता हूँ, टूटी जाने पहले मुझे बोल देते जाओ, और रात को जब मैं आता हूँ ना ऐसे देखते हैं आगे जा तू, खुश हो गई ए जाओ पापा जाए रोटी जाए, देखो मैं जोड़े जाने में खुश हो जाती है भाई, उसके बाद इसको परेशान कोई नहीं करता, मैं बहुत परेशान कर देता हूँ, हाँ देखो मुँह देखो भाई, चो मुँह देखो, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ जल्दी आ जाओ, चल हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ 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 जल्दी आओ, पापा के साथ चलो ड्यूटी, पापा के साथ ड्यूटी चलेगा, चलेगा पापा के साथ ड्यूटी, टूटी चलेगा पापा के साथ, ओ ओह ये देखो दोस्तों मेरा फुंतरू बहुत क्यूट है, मेरा फुंतरू कैसा होता है कमेंट करके जरूर बताया करो यार, है ना। अरे देखो मेरी टू कॉपी है ना, देखो मैं पहले ही बोलता हूँ ना, मेरी चार बनी कॉपी देखो, मेरी बिटिया है, मेरी बिटिया मेरा फुंतरू है, फुंतरू वाओ, जल्दी बोलो भाई, ये ना बहुत कोशिश करती है देखो बोलने की, लेकिन ना अभी बोल नहीं पाती है, पर पूरा मुंह भाई जान लगा देती है, देखो बोलेगी ना जल्दी, पापा पापा बोले,
ये पापा, बोल देगी ना पापा, ओए पापा, ओए ओए पापा, ओए हाँ ये, क्या फंस रहे हो, ये पापा, देखा तूने दादा दादी को, हैं? दादा दादी को गुड मॉर्निंग बोला, ये कहा? वो देख दादा दादू कब से वेट कर रहे हैं, है ना? कह रहे आप फोन में बोलेगी दादा दादी देख कब से वेटिंग में खड़े हैं। तो देखा दोस्तों ऐसे मार दिन कटता है इसके साथ, मतलब पता ही नहीं चलता कब दिन कब शाम कब रात, लेकिन कितना ही परेशान कर दे लेकिन थकान सब खत्म कर देती है, इसकी एक झलक सारी थकान खत्म कर देती है। तो ऐसे इसके साथ टाइम निकल जाता है और काफ़ी मज़ा आता है। तो भाई यहाँ पे मेरा टिफ़िन भी तैयार हो रहा है क्योंकि भाई लेट हो रहे हैं, तो भाई टिफ़िन भी तैयार करना है ना फटाफट, क्योंकि भाई टिफ़िन नहीं बनेगा तो दिन में क्या खाएंगे, है ना? भूखे मर जाएंगे, है ना भाई? क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? तो भाई काम नहीं होगा, फिर पेट में चूहे कूदेंगे। तो टिफ़िन भी साथ साथ में तैयार हो रहा है। तो आप भाई फोन थ्रू आ चुके हैं बाहर वाले रूम में और पापा मम्मी उसको ले आए क्योंकि उसके उठने का वेट करते हैं, और फिर पापा मम्मी उसको लेके आ जाते हैं। और आप देख सकते हो अब दादी का और फुंतरू का प्यार, ये देखो अपनी दादी से करती है भाई, ये बहुत सारी बात है, अपनी दादी से तो बहुत बात करती है ये, देखो ओए ब्लेस यू। तो भाई देखो अपनी दादी से बहुत बात करती है ये, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, कहीं चुगली करती है क्या करती है। चलो अब पापा जा रहे हैं रूठी, ओके ठीक है, टाटा कर दो, शाम को मिलेंगे, ठीक है, ए मेरे बाबा, चलो बाय बाय। चलो यहीं नहीं करना, अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, ठीक है, तेरी वजह से लेट हो जाता हूँ मैं रोज़। चलो अभी टाटा। चलो दोस्तों अब मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, और ऐसे ही आपके लिए ब्लॉग आते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहना। मैं आपका बड़ा टमटा ऐसे ही आपके लिए ब्लॉग बनाता रहता हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। और जल्दी मिलते हैं हम लोग दिल्ली टू उत्तराखंड राइड पर, यानी नैनीताल वाली राइड पर। तो चलो आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा।